कैंसर रोगियों को समय पर उपचार मिलेगा। प्रारंभिक स्तर पर ही बीमारी का पता चलने पर तुरंत ही रोगी को मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के तहत कल्याण सह सुपर स्पेशलिटी में सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर फॉर कैंसर सेंटर की स्थापना को लेकर एनएक्सी भवन में एमओयू साइन किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगले वर्ष फरवरी से यह सेंटर क्रियाशील हो जाएगा। इस एमओयू के तहत संस्थान में 25,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाएगा। आईआईटी कानपुर नॉलेज पार्टनर के रूप में रहेगा और जिले में मेडिकल कॉलेज योजना के तहत प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेजों में 12 जिले में कैंसर यूनिट लॉन्च की गई है और इस वर्ष 19,000 आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटरों को शुरू करने की योजना है। इनमें से 15,000 संचालित हैं। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्य सचिव डीएस मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इलाज की प्रक्रिया क्या होगी, उसका पायदान क्या होंगे, तो वो आप एक रिसर्च सेंटर के माध्यम से तय करता है। मुझे लगता है कि मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में और आईआईटी को जोड़ करके एक अभिनव प्रयास होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं भरोसा कर सकता हूं कि ये तीनों लोग मिलकर के प्रदेश के और हमारे देश के कैंसर रोगों के लिए एक नया एक व्यवस्था खड़ा करेंगे जिससे उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा।